हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, बन गई 14 अगस्त, बना ली हमने खुशी जितनी बनानी थी, पूँ पूँ पा 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 करके सबका जीना हराम करके हमने सबकी खुशी बना ली, जितनी हमने खुशी बनानी थी हमने बना ली। आ जाओ। तो यार, आज 15 अगस्त है, ठीक है। मैं छत पर आया हूँ, मैंने कहा चलो कल जश्न आज़ादी का, सभी लोग जश्न वगैरह करते रहे, लोग फायरिंग वगैरह करते रहे, बाजे बजाते रहे, तो खैर उनको खुशी थी, उन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी की खुशी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो करते रहो। आज 15 अगस्त है, मैं छत पे आया हूँ, मैंने कहा ये आ जाओ बाजी आप भी, ये सोलर की प्लेट्स को जाके ना मैं वॉश करके आता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ तो मैंने क्या देखा है कि ये हमारी एक सोलर की प्लेट पर ना बुलेट का निशान है, ऊपर से कोई गोली चली है और आगे हमारी प्लेट पर लगी है, जो कि आज के टाइम पे ना इनका रेट मुझे लगता है 15 से 16 हज़ार रुपये है। 150 वाट की ये प्लेट है। तो आपकी खुशी मनाने के चक्कर में अगर किसी का नुकसान हो रहा है ना, तो उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। तो ये हमारी एक प्लेट, अब पता नहीं ये काम कर रही है कि नहीं कर रही, काफ़ी बुरे तरीके से डैमेज हुई है। इसका खोल भी मुझे मिला था, वो मैंने नीचे दिखाया है कि जो फायरिंग हुई है ना उसके सिलसिले में ये बुलेट लगी है बिल्कुल यहाँ पर आके। बाकी प्लेट्स भी हैं उन पर नहीं लगी, लेकिन इस पर आके लगी है। अब आप लोग और एक मैं बात बताना चाहूँगा कि एक न्यूज़ भी मिली है कि फायरिंग से शायद कनार रोड पे ना एक आदमी की डेथ भी हो गई है गोली लगने से। ये फायरिंग करके आपको क्या मज़ा मिलता है, क्या सुकून मिलता है, मुझे नहीं पता चल रहा। उससे बेहतर था कि कोई ऐसा काम किया जाए कि आपके मुल्क में बेहतरी आए, तरक्की आए, ग्रीनरी के लिए कोई काम कर लें आप लोग। मेरे मुँह में लफ्ज़ फंस गया था, खैर। लेकिन ये जो है ना, अभी बेहाल हमारा नुकसान हो गया और खैर इसकी तो भरपाई हो जाएगी। जिस आदमी की बुलेट लगने से जिन लोगों की डेथ हो गई है, उनका नुकसान हुआ है, वो तो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो आज़ादी बनाएं, लेकिन लिमिट में रह के और हद में रह के। अब किसी का नुकसान करना ये कहाँ की आज़ादी है। खैर, अल्लाह सबको हिदायत दे और हमें अच्छे तरीके से अपने मुल्क के लिए काम करने की तौफीक दे। डन।